हेलो, बहुत समझा लग गया था खुद को। आई विश सब ठीक हो जाए तुम्हारे दोनों के बीच। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊंगी आप लोगों से बात करने के लिए। अभी भी लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन बोलिए ना। मैं बोल ही रही हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ऐसा हुआ क्या है? बोलो ना। होते जा रहे हैं तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि एक बारी क्लियर वॉइस नहीं आ रही क्या? क्लियर वॉइस मेरी? रब रखा था सब रखा। यू आर ऑडिबल दीदी, प्लीज बताओ क्या हुआ है प्लीज। तो मैं आप लोगों को बस कुछ चीज़ें जो है वो कह रही हूँ वो यही है कि आ रही है। पहले आप लोग अपने क्वेश्चंस मेरे साथ में शुरू करिए, मैं धीरे धीरे आंसर्स दूंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं उसी में मेरे आंसर्स सारे छुपे हैं जो मैं बोलने आई हूँ। आप लोग स्टार्ट करिए अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप लोग शुरुआत करिए। और सबसे पहली बात, लोगों ने हृदय के बारे में बोला है, तो ऑफकोर्स हृदय बच्चा है मेरा और मैं उससे मिलने नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ? उसके पीछे भी रीजंस होंगे, कुछ ना कुछ होगा, कोई तो रोक रहा होगा, कुछ तो होगा, इसी वजह से नहीं जा रही हूँ। आप लोग इस बात को समझ सकते हो। डाइवोर्स हो रहा है जी? नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? व्लॉग किधर गए? व्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि चैनल का एक्सेस अभी मेरे पास नहीं है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। एक्सेस नहीं है मेरे पास में अभी। आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है जी, वो भी ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। आप उससे हृदय आज खेलने नहीं आया नीचे। क्लियर बता दो क्या बात हुई है। आप, अरे आप साथ व्लॉग नहीं बनाओगे क्या? तो गाइस, मैंने नहीं सोचा था कि लोग ना ऐसे बदलते हैं, यूं चुटकियों में एक सेकंड के अंदर जो लोग बदलते हैं ना, वो आज मैंने देखा है। आज तो क्या, एक महीने से देखती आ रही हूँ। और ना बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि प्रैंक, तो मैं पहले ही क्लियरली बता दूँ, ये कोई प्रैंक नहीं है, कुछ भी मजाक नहीं चल रहा है। जिंदगी और ये सारी चीजें मजाक नहीं होती जो इसके साथ हम लोग मजाक करें। सभी लोग, कौन बदला नहीं, सभी लोग। एवरीथिंग इज गोना हैपन फॉर अ रीजन। टेंशन मत लो, मुझे आप लोगों का सपोर्ट है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं डर रही थी, बहुत डरी, बट अब नहीं डर रही हूं मैं। बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा, बहुत चीजें नहीं बोली, बहुत चीजें आकर के सामने नहीं दिखाई, लेकिन अब नहीं डरती। क्योंकि वो उसकी फैमिली है इसीलिए उसका सपोर्ट करेगी। प्लीज बताओ, क्लियरली बताओ क्या हुआ है।
वो लोग बहुत खुश हैं, वो दिखता है। कुछ तो बोलो। दीदी आप पूरी बात बताओ, क्या हुआ है प्लीज, सब आपके साथ हैं प्लीज बताओ। मुझे बस आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है, मैं लाइव आती रहूंगी, अब आप लोगों से बात करती रहूंगी, मैं अपना टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट दूंगी हर चीज का, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, चाहे बहुत बुरा चाहे बहुत अच्छा चाहे कुछ भी है। मैंने पहले लाइव आना या हर चीज छोड़ दी थी, बट अब मैं हर चीज आपको आकर के लाइव में बताऊंगी, सारी चीजों का अपडेट दूंगी, ए टू जेड जो भी चल रहा है सब कुछ बताऊंगी। मुझे बस यही समझ में आता है। और हाँ, ये जो बोल एक दो लोग लिख रहे हैं ना कि प्रैंक है प्रैंक है, तो भाई ये मजाक नहीं है, कोई जिंदगी के साथ अपनी मजाक नहीं करता ऐसे। नहीं करता कोई मजाक ऐसा। अगर कोई चीजें बीती हैं, चोट लगी है, तो दर्द भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, हर चीज हो रही है, सारी चीजें सामने आती हैं गाइस, क्लियरली बता दो, वी वांट टू नो, सब कुछ पता लगेगा आप लोगों को, क्योंकि जब सबसे कईयों से बातें नहीं छुपी। मैं ना बस ये चाहती हूँ कि जिन्होंने भी एक साइड सुनी है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे दूसरी साइड भी आकर के सुने, जो भी लाइफ देख रहे हैं या जिन तक भी लाइफ जा रही है, कईयों ने एक साइड सुनी होगी, दूसरी साइड भी आकर के सुने। एक तरफ से सुनने से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता एक तरफा सुन के। वो लोग भाग क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आते फिर आपके, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं आते सामने। आप लोगों को भी पता है गाइस, मैं को बार बार बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है कि किसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ पता है आप लोगों को, बार बार मुझे आकर के बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसके लिए क्या किया किसके लिए क्या नहीं किया, आप लोगों ने सब देखा है। टेल अस द ट्रूथ ओनली। क्या हुआ, और ना एक बात और, इस लाइफ को मतलब कि कहते हैं एंड करने से पहले एक चीज और बोलूंगी, कभी भी कैमरे के आगे जो चल रहा है और कैमरे के पीछे की दुनिया पे विश्वास मत करना ऐसे। कैमरे के आगे दुनिया बहुत अलग है और कैमरे के पीछे दुनिया बहुत अलग है, इस चीज को हमेशा याद रखना। और आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे बनाया है, आप लोगों ने ही मुझे बनाया है, मेरा चाहे पहले प्रैंक चैनल था चाहे उसके बाद व्लॉग्स बनाए या कुछ भी है, वो आप लोगों ने प्यार दिया तभी बने हैं। तो जो है ना कि कैमरे के आगे बहुत अच्छा दिखावा या हर चीज, तो उस चीज को भी ध्यान रखना कि कैमरे के आगे की दुनिया बहुत अलग है और पीछे जो चल रहा है वो असलियत उन्हीं को पता होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब पता लगेगा सब कुछ। मेरे हाथ का और बिल्कुल कुछ आप लोगों से भी कुछ नहीं छुपेगा, अगर मुझसे नहीं छुपा तो फिर आप लोगों से क्यों छुपेगा, कभी ना कभी तो सच सामने आता है चाहे वो किसी के आगे भी हो। बिल्कुल कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं कुछ भी हाइड नहीं करना चाहती अब आपसे।
स्नेहा आप मन हल्का कर लो, बी स्ट्रॉन्ग, आपकी मॉम बहुत अच्छी है। कुछ बातें डायरेक्टली नहीं बोली जा सकती, आप लोग समझ सकते हो इस बात को, समझो मेरी बात को प्लीज। अरे यार बता भी दो जल्दी प्लीज। इनडायरेक्टली बोल दो ना, इनडायरेक्टली कुछ बातें डायरेक्टली नहीं बोल सकती मैं, आप लोगों को बता रही हूँ, हिंट तो दो। तो आप लोगों को बस ये कहूंगी कि कैमरे की दुनिया आगे अलग है, कैमरे के पीछे लोग अलग हैं। और ट्रस्ट करोगे ना जिस दिन भी, प्रूफ पे ट्रस्ट करना, जो प्रूफ देंगे ना बस उस पे ट्रस्ट करना, अदरवाइज ट्रस्ट मत करना। क्योंकि पता क्या है, चीजें जब भी सामने आएंगी ना, आप लोगों के सामने आएंगी जरूर मुझे लगता है, तो जब भी आएंगी तो प्लीज जब ट्रस्ट करोगे ना आप लोग, जो भी आपका डिसीजन होगा वो बिल्कुल जेन्युइन होगा। लेकिन ट्रस्ट तभी करना जब प्रूफ के साथ, प्रूफ देखोगे ना उस दिन ट्रस्ट कर लेना। हर चीज आप लोगों को पता लगेगी। डायरेक्टली अभी कुछ भी नहीं मैं बोल सकती, तो जब आप प्रूफ देखोगे उसके बाद आप डिसाइड करना जो भी आपका डिसीजन होगा, उसके बिना। और एक तरफा मत सुनना, दोनों तरफा सुनना, अगर कुछ भी करोगे तो दोनों तरफा होना चाहिए।